हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल IRB टेक बैक को स्वागत है। दोस्तों, आज की इसमें बात करने वाले हैं ANM, GNM और BSc नर्सिंग के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नोटिफिकेशन जो वो जारी हो गया था और एग्जाम का जो फॉर्म फिलअप है वो जो स्टार्ट वो हो चुका है। और इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप आप लोग को दिखाएंगे कैसे आप जो है अपना एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म कैसे भर पाएंगे, खुद से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं सारा चीज। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल न्यू या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अपडेट आती है उससे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले आपको जो है JCECB का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आपको आना होगा। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से इस वेबसाइट में आप आ सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे आने के बाद इस तरह से होम पेज आपके सामने ओपन रहेगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी फॉर्म आते हैं वो सारे फॉर्म का यहाँ पे जो आप लोग को देखने को मिलता है। सबसे नीचे आएंगे, नीचे अभी जो करंट में तीन एप्लीकेशन जो चल रहे हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। BSc नर्सिंग है, बेसिक ऑफ कोर्स ANM, GNM। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आप लोग को ANM का, यानी कि इस वीडियो में हम आप लोग को ANM के बारे में बताने वाले हैं, ANM का फॉर्म कैसे आपको भरना है। तो ANM के सामने जो क्लिक हेयर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करें फिर एक न्यू टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को जो है यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, अप्लाई और एप्लीकेंट लॉग इन। तो अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद छोटा सा एक फॉर्म आएगा, इसको आपको फिलअप करना है। तो ऊपर में सबसे पहले आपको कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है, एक ही रहेगा ANM, इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको पूरा नाम रहेगा, एक ईमेल आईडी देना है जो कि वैलिड हो, मोबाइल में आपका चलता हो, एक मोबाइल नंबर देना जो कि वैलिड हो चालू हो। उसके बाद एक पासवर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट करना है जो कि स्टूडेंट पासवर्ड यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद उसी पासवर्ड को यहाँ पे कन्फर्म कर देना है और ये जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है इसको यहाँ पे टाइप करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड में जो आप लोग बता दें कि यहाँ के पासवर्ड में आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है टोटल 8 करेक्टर का जो पासवर्ड होना चाहिए, यानी कि जो भी पासवर्ड लिखेंगे वो 8 करेक्टर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और उसमें जो है एक लवर होना चाहिए, एक ऑफर होना चाहिए, एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए और कुछ डिजिट भी होना चाहिए। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन में आपको पासवर्ड बनाना है जो कि 8 करेक्टर 8 डिजिट का हो, तो यहाँ पे आपको जो पासवर्ड बन जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे आपको एरर शो करेगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक बार कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको यहाँ पे यस आई एम श्योर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यस आई एम श्योर पे क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा ये वाला पेज पे और यहाँ पे कोई भी मैसेज आपको शो नहीं करेगा। आपको जो है अपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया उस पर जो है आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो है पासवर्ड जो है वहाँ पे आप लोग को शो करेगा जो आपने पासवर्ड रखा था। तो वहीं से जो है आप लोग को आप क्या करना है, एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक कर देना है और जो भी आपको जो पासवर्ड गया, रजिस्ट्रेशन नंबर गया, उससे जो यहाँ पे लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है, जो आपने पासवर्ड बनाया तो वो यहाँ पे डालना है, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो आपको फॉर्म ये ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म को पूरा आपको फिलअप करना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो करेगा, बाकी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको जो है ऊपर में फादर नाम फिलअप करना है, मदर नाम फिलअप करना है, जेंडर जो आपने दिया था वही आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, मोबाइल नंबर वही आ जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया था, ऊपर में आपका नाम शो करेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा। उसके बाद आएगा फादर मदर ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जो भी आप लोग का जो आपका जो फादर मदर का जो भी हो वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पे आता है, एनुअल फैमिली इनकम अपने हिसाब से डाल देंगे जो भी आपका हो। यहाँ पे आपको जो एग्जाम सिटी मांगा जा रहा है, दो एग्जाम सिटी यहाँ पे देना है, तो पहला यहाँ पे आपको एग्जाम सिटी देना है जो भी आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, जो भी आपका नज़दीक हो वहाँ पे यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद फिर सेकेंड आता है, सेकेंड में आपको जो यहाँ पे लेना है नज़दीक हो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी में यहाँ पे आता है डोमिसाइल की आप झारखंड के हैं या नहीं। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे आप लोग जो है कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, अगर आप नो करेंगे तो यहाँ पे आपको जनरल के में आ जाएगा। तो अपने हिसाब से जो यहाँ पे कैटेगरी हो वो अपने हिसाब से कैटेगरी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप डिजेबल वगैरह हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आता है एजुकेशन, यहाँ पे डिटेल आप लोग डालना होगा, एजुकेशन का डिटेल यहाँ पे देना होगा। तो सबसे पहले मैट्रिक है, ये आपको फिक्स मैट्रिक का देना ही है। बोर्ड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपका जो है यहाँ पे आपका बोर्ड है, वो अपने बोर्ड अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका हो। रिजल्ट आपका यहाँ पे पास ही रहेगा, मार्क्स सिस्टम यहाँ पे परसेंटेज रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है, पासिंग ईयर डाल देना है कि कौन से ईयर में पास हुए थे, मैक्सिमम मार्क्स डाल देना है, मैक्सिमम मार्क्स 500 रहता है। उसके बाद ऑप्टेन मार्क्स जितना भी आपने लाया है वो अब यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसी तरह से यहाँ पे आपको 12th का भी डालना है कि आप लोग को पता होगा कि जो जो ये ANM GNM जो है वो इंटर लेवल से ही होता है। ANM GNM BSc नर्सिंग, ANM जो है आपका 2 साल का होता है, GNM 3 साल का होता है और BSc नर्सिंग आपका 4 साल का होता है। तो इंटर पास से ही आप तीनों कर सकते हैं जो भी आपको करना हो। तो यहाँ पे आपको जो इंटर आपको देना है कि इंटर आप आर्ट्स से हैं, साइंस से या कॉमर्स से है, ये आपको अपने हिसाब से यहाँ पे देना है। यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है, जैसे कि अगर मान लें आप झारखंड से किए हैं तो यहाँ पे जैक रांची यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद फिर रिजल्ट यहाँ पे देना है, फास्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है रिजल्ट को। उसके बाद फिर यहाँ पे मार्क्स सिस्टम को जो है आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना है, फिर उसी तरह रोल नंबर डालना है, पासिंग डालना है, फुल मार्क्स यहाँ पे डालना है और पास मार्क्स यहाँ पे आप लोग जितना लाए वो डालना है, यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा। उसके बाद फिर नीचे आपको जो एड्रेस का सेक्शन आता है, एड्रेस में आपको अपना विलेज का नाम,
या फिर जहाँ पे आपको विलेज जो भी आपका जो एरिया हो वो यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे भी आपका जो है जो एरिया वहाँ पे डाल सकते हैं, टाउन डाल सकते हैं, सिटी में यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट नाम डाल सकते हैं, स्टेट यहाँ पे आप लोग अपना जो आपका स्टेट हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट आपका जो है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद फिर यहाँ पे पिन कोड आता है, पिन कोड यहाँ पे अपना डाल देंगे, जो भी पिन कोड नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन डाल देंगे। उसके बाद नीचे जो आता है तीन यहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एक है आपको फोटोग्राफ यहाँ पे है, उसके बाद एक सिग्नेचर है, और ये लेफ्ट लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी कि जो आपका बायां जो आपका हाथ हैंड है उसका अंगूठा का जो है निशान आपको देना है, तो उसको एक पेज में जो है आपको डाल के स्कैन करके खुद देना, जैसे सिग्नेचर वगैरह स्कैन करके क्रॉप करके डालते हैं, उसी तरह जो है लेफ्ट थंब को भी इसी तरह पेज में कहीं पे डाल के उसको क्रॉप करके यहाँ पे अपलोड करना है। तीनों जो यहाँ पे आपको जेपीजी फॉर्मेट डालना है, और 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, 50 KB से नीचे आपको अपलोड करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन में यहाँ पे बॉक्स पे टिक करके सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपको फॉर्म जो है वो सेव हो जाएगा, और आपका जो फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पे देखेगा, ये पूरा फॉर्म का जो प्रीव्यू आपको वेरीफाई कर लेना है कि आपका सही है या नहीं है, अगर कहीं भी कुछ मिस्टेक लगता है गलत है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके इसको जो है एडिट भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपको सब सही लगता है तो यहाँ नीचे कंफर्म पे क्लिक कर देना आपको। जैसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे फिर से यहाँ पे पूछा जाएगा कि यस आई एम श्योर, तो यहाँ पे आपको यस आई एम श्योर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो फाइनली जो सबमिट हो जाएगा। अब जो यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, तो पेमेंट करने के लिए प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने जो पेमेंट गेटवे आ जाएगा, 450 रुपये का जो फी यहाँ पे कटेगा। यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, क्यूआर कोड का भी ऑप्शन मिलता है, यूपीआई का भी ऑप्शन मिलता है। तो क्यूआर कोड जो यहाँ पे ज़्यादा सेफ होता है, ज़्यादातर लोग ये यूज करते हैं, तो यहाँ पे अगर क्यूआर कोड से करना है तो क्यूआर कोड पर क्लिक करके भीम यूपीआई पे क्लिक करना है, और मैक पेमेंट पे क्लिक करना है, तो आपके सामने जो है एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। आप ये क्यूआर कोड को किसी भी यूपीआई ऐप जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेड, व्हाट्सअप, किसी भी यूपीआई पे यहाँ पे आप स्कैन करके इसको जो है पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल होगा आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा, और जो कंफर्म हो जाएगा और आपका जो प्रिंट है वो निकल जाएगा। अभी मैं किसी एक्चुअल स्टूडेंट का कर नहीं रहा हूँ, डेमो में आप लोगों को दिखा रहा था प्रोसेस, तो यहाँ पे जो है आपको मैं पेमेंट करके नहीं दिखा सकता, तो आप यही लास्ट स्टेप है, यहीं पे आपको जो है जैसे पेमेंट करेंगे आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको रिसिप्ट निकल जाएगा, और आपका जो फाइनली आपका जो फॉर्म वो अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपको स्टेप बाय स्टेप आप लोग को एनएम का जो फॉर्म भरना है, जीएनएम जो है जीएनएम का भी सेम प्रोसेस है, तो इसका जो अलग से वीडियो नहीं आएगा, आप लोग जीएनएम का बात करेंगे जीएनएम का वीडियो दीजिए, तो एएनएम और जीएनएम दोनों का सेम पूरा सेम प्रोसेस है, कहीं भी कोई चेंजेस नहीं है, बस ऊपर में आपको एएनएम और जीएनएम सेलेक्ट करना होता है। तो एक फॉर्म में नहीं दिया है, अलग अलग जो है लिंक दिया गया है, तो आप लोग इसी तरह से इसको देख लेंगे, जीएनएम भी भरना है तो इसी तरह यही वीडियो देख लेंगे, इसी वीडियो से आप जीएनएम का भी फॉर्म भर सकते हैं, सेम सेम प्रोसेस है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग है, इसका अलग से वीडियो आ जाएगा, बीएससी नर्सिंग का थोड़ा प्रोसेस अलग है, तो उसका अलग वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन एएनएम जीएनएम का ये वीडियो से आप दोनों आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे, तो मिलते हैं फिर दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।